is a cost which vary with respect to production. If production is zero, variable cost is also zero. If production is maximum, then variable cost is also maximum. It is inverse S shape. Just for example, के जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, पैकिंग हो गया, जो आपकी वेजेस एंड सैलरीज हो गया, जो प्रोडक्शन में एम्प्लॉय होते हैं उनकी कॉस्ट हो गया, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसकी एक स्पेसिफिक इनवर्स एस शेप लाइक इस तरह से कर्व होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहूँ तो फिर मैं ये करूँगा कि इफ वी डिवाइड वेरिएबल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस देन वी गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई से तीन पॉइंट्स लेंगे, तीनों पॉइंट्स को ओरिजिन से कंबाइन कर देंगे तो जो हमारे पास स्लोप आएगा वो स्लोप हमें बताएगा कि इसकी एवरेज क्या है। लाइक ए पॉइंट पर हम देखते हैं स्लोप का स्टीप ज्यादा है, तो लिहाजा हम यहाँ पर हमने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कॉस्ट है और यहाँ पर आउटपुट है। फिर बी पॉइंट पर फ्लैटर हो गया, तो लिहाजा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बी पॉइंट पर कम हो गई। सी पॉइंट पर क्या हुआ, स्टीप हो गया बट बी से ज्यादा है, ए से कम है, तो लिहाजा मैं इसके बीच में नई पॉइंट ले लूंगा सी पॉइंट का, और फिर मैं इनको कंबाइन कर दूंगा तो एक कार्ड वाली चीज इसको मैं कहूंगा दैट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक यू शेप कर्व, ये यू शेप कर्व की तरह की होगी।